माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्तमान में कुल 54 गौशालाएँ संचालित है, जिनमें से 50 पंजीकृत एवं 4 अपंजीकृत गौशालाएँ हैं। गौशालाओं की सूची मय पता, पशुधन संख्या तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण में द्वितीय चरण हेतु पात्र 39 गौशालाओं को दी गई सहायता राशि ₹14,88,86,400 सहित विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है। खंड दो, जी हाँ, चारे की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण हेतु दी जा रही सहायता राशि की अवधि 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिवस की जा चुकी है। वर्तमान में गोवंश हेतु ₹40 तथा बड़े गोवंश हेतु ₹40 और छोटे गोवंश हेतु ₹20 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस की दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही गौशाला में अंधे व अपाहिज गोवंश तथा नंदीशाला में संधारित नर गोवंश को उक्त समान दर 12 महीने की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। पात्र गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पहला सवाल मेरा है, क्या राज्य सरकार गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान दे रही है? इसको बढ़ाकर 12 महीने का अनुदान राशि और समय सीमा 9 महीने से 12 महीने बढ़ाने का विचार रखती है? पहला सवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016 में तत्कालीन सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने स्टाम्प ड्यूटी पर 10% गो सेस लगाकर राजस्थान गो संरक्षण एक संवर्धन निधि नियम 2016 बनाया। वर्ष 2018-19 में तत्कालीन सरकार ने मदिरा की बिक्री पर 20% गो सेस लगाया। इससे प्राप्त निधि से गौशालाओं को सहायता राशि व गौशालाओं के विकास के लिए संचालित योजनाओं को राशि दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले वर्ष 2023-24 में जो हमारे पास में आय व्यय हुआ है, स्टाम्प ड्यूटी पर गोसेस 596.41 करोड़ और शराब के वेट पर गोसेस 631.4 करोड़, कुल आय 1227.45 करोड़ हुई, व्यय 1122.86 करोड़ हुआ। इसलिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भविष्य में इसको बढ़ाने के करेंगे प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य, दूसरा सवाल है मेरा कि जब मदिरा एक्साइज पर जो ड्यूटी है, स्टाम्प पर ड्यूटी लगी है, करोड़ों रुपए अपने को प्राप्त हो रहे हैं और वो सिर्फ इन गायों के लिए, गोवंश के लिए ही है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि 9 महीने से इनके 12 महीना आप जो गोवंश को, बड़े को ₹40 दे रहे हो और छोटे को ₹20 दे रहे हो, इसको बढ़ाने का मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो समय बढ़ाने का, जो दोष आपने 180 से 270 दिन पिछली सरकार ने किए थे, तो अब अपनी सरकार को, जो सारी सरकार अपन गोभट के नाम से जाने जाते हैं, तो 270 की जगह 360 दिन कराने का, और साथ के साथ जो ऐसी गौशालाएं हैं जिनमें आवारा पशु तो गोवंश तो डाल दिया जाता है, जवाब ले ले, लेकिन अपाहिज, एक सेकंड, अपाहिज या जो दुर्घटनाग्रसित होकर जो गोवंश आता है गौशाला में, या जो बीमार हो जाते हैं या वृद्ध हो जाते हैं, ऐसी गौशालाओं को जो आपने पंजीकृत गौशालाएं, उसमें कितनी गौशालाएं ऐसी है जो प्योरली अपाहिज, बीमार और वृद्ध पशु धनी रखते हैं, दूसरा जो उनका उनसे कोई आय नहीं होती है, ऐसी गौशालाओं की संख्या कितनी है और उनके लिए आपने 12 महीना किया है, तो दूसरी गौशालाओं के लिए 12 महीना क्यों नहीं कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अपाहिज गौशालाओं की अलग से संख्या नहीं है, सभी गौशालाओं में अपाहिज नंदी और गोवंश को लेने का प्रावधान है, और जो अपाहिज है उनके लिए 12 महीने का अनुदान हम देते हैं, और दूसरी जगह दूसरी नंदियों को या उनको गाय को 9 महीने का अनुदान देते हैं, तो अपाहिज के लिए तो 12 महीने का अनुदान पहले से प्रावधान है। उनकी संख्या पूछ रहा हूँ मैं, तो अपाहिज की,
अपाहिज की संख्या आपको वैसे काउंटिंग करके बताना तो बता देंगे, आपके आपको पोसा देंगे, लेकिन अपाहिज उसी में से शामिल है, जो गोवंश है उसी में शामिल है। श्री घनश्याम प्रश्न संख्या 179।